आखिरी बात कहने पर मैं मजबूर हूँ। अगर इसके मुस्तफा का जाम पीना चाहते हो फिर वो कराची का बादशाह है जिसको मौलाना नियाज कादरी कहा जाता है। अगर इसके मुस्तफा का जाम पीना चाहता हो तो फिर उस बार का में चले जाओ। और आज एक अलमिया गए, आज एक अलमिया गए कि हम इसे इश्क रसूल का जाम जो है ना वहां से तलाश करते गए जहां पर इश्क रसूल के रमक दूर दूर तक नजर नहीं आते, दूर दूर तक नजर नहीं आते। और उन पीरों के पास जाकर हम इल्म अपना इश्क की जो है अपना रमक तलाश करते गए, इश्क का जाम पीने की कोशिश करते गए, जिनके चेहरों पर दाढ़ी भी नहीं होती, जिनको सही तरीके से नमाज पढ़नी भी नहीं आती और जिनको सही तरीके से कलमे भी नहीं आते, उनको पता भी नहीं होता कि मैंने अपना दीन कैसे संवारना गए, दुनिया कैसे संवारनी गए, जो मेरे पीछे लगे हुए गए उनके मैंने ईमान को कैसे बचाना गए। और हम हमारा आलमिया है कि उनके पीछे हम लगे जाते गए कि शायद इश्क का जाम जो है हुजूर की मोहब्बत का जाम इनसे मिल जाएगा। अल्लामा इकबाल की बात सुनिए, अल्लामा इकबाल फरमाते गए कि ऐसे जो डाकू और फ्रेबी जिनके चेहरों से हुजूर की मोहब्बत भी नहीं झलकती, उनसे हुजूर के इश्क का जाम नहीं पिया जाता और उनसे हुजूर की मोहब्बत मिल भी नहीं सकती। मिसाल देते हैं, फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा ये कहे कि कुत्ते के मुंह से झाग निकल रहे थे और उस झाग से बड़ी खुशबू आ रही थी, होता नहीं है ऐसे, चलो मान लेते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते होता नहीं है ऐसे, कुत्ते के मुंह से झाग निकल रही गो और उस झाग से खुशबू आ रही गो, होता नहीं है, चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं। फरमाते हैं कि सांप के मुंह से जहर निकले और बंदा देखने वाला कहीं जहर नहीं था, मीठा पानी था, होता नहीं है ऐसे, चलो मान लेते हैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कोई बंदा ये कहे कि मैंने वलियों के बेअदबों से जाकर इश्क का जाम पिया गया, ये नहीं माना जा सकता, ये नहीं माना जा सकता। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने सहाबा के गुस्ताखों से इश्क मुस्तफा का जाम पी लिया, ये नहीं माना जा सकता। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैंने गुस्ताख सहाबा से जाकर इश्क का जाम पी लिया गए, ये नहीं हो सकता। फरमाते गए कि अगर इश्क का जाम पीना चाहते हो तो इन उन तहलीजों पे जाओ जिन तहलीजों के ऊपर अल्लाह का खौफ भी दिया जाता है, इश्क मुस्तफा भी पिलाया जाता है और उनका चेहरा देखकर अल्लाह भी याद आ जाता है, अल्लाह का रसूल भी याद आ जाता है। फिर सुनो वो दहलीजें कौन सी हैं, वो कौन कौन सी दहलीजें हैं जिन पर जाएं तो फिर अल्लाह भी याद आता है, अल्लाह का रसूल भी याद आता है। हाँ हाँ, वो दाता, दाता की नगरी है, लाहौर का बादशाह है, अगर उस नगरी पे चले जाएं तो फिर इश्क मुस्तफा का जाम मिल जाता है। वो झंग का बादशाह है, अगर उसके बादशाह में चले बारगाह में चले जाए सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह के तालड़ है, वहां से इश्क का जाम मिल जाता है। वो कसूर का बादशाह है जिसको बाबा बुल्ले शाह के नाम से याद किया जाता है, उनकी बारगाह में चले जाए तो वासिश के मुस्तफा का जाम मिल जाता है। हाँ गा कोट मिठन का एक बादशाह है जिसको बाबा फरीद कहा जाता है, उनकी बारगाह में जाया जाए तो इश्क मुस्तफा का जाम मिल जाता है। हाँ एक और बारगाह भी है जिसको बरेली का ताजदार कहा जाता है, जिसको अहमद रजा के नाम से याद किया जाता है, उनकी बारगाह में जाया जाए तो इश्क मुस्तफा का जाम मिल जाता है। अरे बात कहने पर मैं मजबूर हूँ, अगर इश्क मुस्तफा का जाम पीना चाहते हो फिर वो कराची का बादशाह है जिसको मौलाना नियाज कादरी कहा जाता है, अगर इश्क मुस्तफा का जाम पीना चाहता हो तो फिर उस बार का में चले जाओ। अच्छा।